ऐसी ही क्लासिक मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड क्लासिक और बेल आइकन को प्रेस करें। दब से यहाँ हवा तुझे याद हो कि न याद हो मुझे याद है उसका माजरा अभी याद है मुझे वो घड़ी जब किसी की उस पे नजर पड़ी यह हुस्न था वह ताज था यह इश्क था वह राज था ये कहा सलीम ने प्यार से हंस हंस के अपनी अनार से तू कहे तो तारों को तोड़ लूं तू कहे तो ताज भी छोड़ दूं जरा देखिए क्या हवा चली न रहा सलीम न वो कली ये मजार निशानी है प्यार की किसी दर्द भरे इकरार की किस भोरे के इंतजार में यहाँ सोई है कली अनार की ऐ बाद सबा आहिस्ता चल मोहब्बत की हर यादगार ताजमहल नहीं होती ये मजार इश्क की आंख से टपका हुआ वो आंसू है जिसे जमाने की गर्दिशें आज तक खाक में न मिला सकीं। किसी ने कहा है जहां पर अब मजारें हो गई हैं वहां पहले बहारें हो गई हैं इस मजार में सोने वाली भी कभी बहारों की जान थी उसने सलीम से मोहब्बत की सिर्फ सिपाही समझकर ये न जानते हुए कि सिपाही हिंदुस्तान का वलीअहद सलीम है Bye.
जिसकी आवाज का जादू अकबर के पांव थाम सकता है। हमें क्या मालूम था? क्यों आए हो तुम यहाँ? हम आए नहीं, तुम्हारी आवाज की कशिश हमें खींच लाई। हम चाहेंगे कि फिर एक बार वही नगमा सुना। क्यों क्यों सुना दे? एक बार वही नगमा फिर सुना दे। खबरदार लड़की। बाजी, एक तो पराई लड़कियों से गाने को कहते हो और ऊपर से अकड़ दिखाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हम इनकी तरफ से तुमसे माफी चाहते हैं। हम तुमसे माफी मांगते हैं, अच्छी माफी है ये। अपने आप को हम और मुझे तुम, जैसे तुम कोई बादशाह हो। अब इसका जवाब हम तुम्हें क्या दे सकते? तो फिर चले जाओ यहाँ से। और अगर हम जाने से इनकार करें तो? तो फिर मुझे तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। किससे? अकबर बादशाह, इन्हें सजा दो। ऐसा ना करना, अकबर के इंसाफ से तो हम खुद भी डरते हैं। आलम फनास, क्या खबर लाए हो? हुक्म के मुताबिक शहजादा सलीम को जगह जगह तलाश किया गया, लेकिन इन कमजोर आंखों को दीदार नसीब था। जहां भी मिले रबी का हुक्म उन तक पहुंचा। रहम शहंशाह, मुझसे गुस्ताखी हुई आलम पना, मुझसे बेअदबी हुई। हम तुमसे खुश हैं लड़की, बहुत खुश। अब तो तुम्हें गाने से इनकार नहीं। अब मैं कैसे गाऊं शहंशाह, कैसे गाऊं? क्यों? मैं नहीं गाती, मेरी मोहब्बत गाती है। मैं नहीं नाचती, किसी के लिए मेरा दिल नाचता है। और ये तब होता है जब मेरा महबूब मेरे पास हो। कितनी बुलंद है तुम्हारी मोहब्बत, कितनी पाक। क्या तुम्हारा महबूब भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता? इससे भी ज्यादा नहीं। हाँ जहाँ पना, हाँ। उसकी मोहब्बत कमजोर है, खुदगर्ज। उसकी मोहब्बत पाक है, लाजवाल है। जानती हो वो यहाँ से क्यों चला गया? नहीं जहाँ पना, वो हमसे डर कर भाग गया। अगर वो आपके डर से भाग सकता है तो मेरी मोहब्बत उसे वापस ला सकती है। भागने वाले कभी लौट के नहीं आते। मोहब्बत से मत टकराइए शहंशाह, इस मुकाबले में आपकी हार होगी। Oh.
जमाने से आ जाने वफा किसे प्यार जमाने को दिखा दे दुनिया की नजर इश्क के कदमों पे झुका दे कदमों पे झुका दे आ जाने वफा आ जाने वफा आ जाए मेरा नाज उठाना ही पड़ेगा आ जाए मेरा नाज उठाना ही पड़ेगा जब प्यार किया है तो निभाना ही पड़ेगा जब प्यार किया है तो निभाना ही पड़ेगा आ दिल के लिए जान के बाजी भी लगा दे आ दिल के लिए जान के बाजी भी लगा दे दुनिया की नजर इश्क के कदमों पे झुका दे कदमों पे झुका दे आ जाने वफा आ जाने वफा आ प्यार के तूफान में लहरा के चला आ प्यार के तूफान में लहरा के चला हर कैद को हर रस्म को ठुकरा के चला हर कैद को हर रस्म को ठुकरा के चला आशिक है तो हर चीज मोहब्बत से लुटा दे आशिक है तो हर चीज मोहब्बत से लुटा दे दुनिया की नजर इश्क के कदमों पे झुका दे कदमों पे झुका दे आ जाने वफा आ जाने वफा दीवाना मोहब्बत का कहीं डर के रुका है दरबार में शाहों के कहीं इश्क झुका है खुद इश्क के दरबार में शाहों को झुका दे आ जाने वफा हार मानने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे महबूब की मौजूदगी का कोई सबूत ये है वो हार जो मुझे प्यार करते हैं और ये है वो कदम जिन्हें मैं चूमती हूँ तो मान गए शहंशाह हाँ मान गए खौफ से कांपता हुआ इस कदर बहादुर इंसान सिर्फ तुम्हारा महबूब ही हो सकता है तो फिर झुक जाइए शहंशाह इश्क के दरबार में झुक जाइए मोहब्बत की जीत हुई और आपके हाथ झुक गए लड़की और समझो हमारे साथ सारा हिंदुस्तान तुम्हारी पाक मोहब्बत की बुलंदी के सामने झुक गया आज जिंदगी में पहली बार हमें अपनी कमजोरी का एहसास हुआ है कि हुकूमत से बढ़कर भी कोई ताकत है मोहब्बत की ताकत
आज हम तुम्हें एक ऐसा इनाम देंगे कि जब तक दुनिया कायम है, जब तक खानदान मुगलिया का नाम जिंदा है, जब तक बाबर, हुमायूं, अकबर और अकबर के नौरत्नों की याद दिलों में बाकी है, तुम्हारा नाम भी यादगार बनकर रह जाए। मांगो, क्या मांगो? अनारकली शहंशाह, आफरीन है तुम पर। तुम चाहती तो हिंदुस्तान के तमाम खजाने हमसे हमारी सल्तनत तक मांग सकती थी, लेकिन तुमने दौलत से ज्यादा हसीन, हुकूमत से बढ़कर जिंदा रहने वाली दौलत मांगी। हम ये दौलत तुम्हें देंगे लड़की। हम तुम्हें अनारकली के खिताब से याद करते हैं। रहती दुनिया तक तुम इसी नाम से पुकारी जाओगी और लोग हमारी कदरदानी की दाद देंगे। अनारकली जिंदाबाद, अनारकली जिंदाबाद, शहंशाह आलम जिंदाबाद। यही ठहरो नाथरा, मैं अभी आ जाऊंगा। देर तो नहीं लगाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी राह देखती रह जाऊं। मेरी बात का यकीन नहीं है सिपहिया। लेकिन हर वक्त ये ख्याल आता रहता है कि तुम सिपाही हो और मैं खानाबदोश, कहीं बिछड़ गए तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नादरा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक तुम नहीं आओगे मेरी आंखें तुम्हारी राह देखेंगी। जाओ सिपहिया, जाओ। गुलनार, पना आपकी इंतजार कर रहे हैं, नाराज हैं। यही अर्ज करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। हम तुम्हारे एहसानमंद। शहजादम की खुशनुदी मेरा ईमान। शेखू अभी नहीं आया महारानी? आता ही होगा। आलमपना, कहाँ थे तुम शेखू? जी आलमपना। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बच्चे? सख्त चोट आई है माँ। मामूली जख्म है, चोट खाकर माँ से नहीं कहा करते, माँ का दिल कमजोर होता है। अफसोस कि आज तुम हमारे साथ नहीं थे। आज हमने एक अजीब करिश्मा देखा, एक अजीब मौजदा। तुम यहाँ कभी अनार के बाग में गए हो? जी जी। जहाँ पना, जहाँ पना, राजा मान सिंह आलमपना हमारी एक ही औलाद है। तरसते हैं कि हमारा बच्चा हमें बाप कहकर पुकारे, लेकिन वो कभी भूलता ही नहीं कि हम शहंशाह। भैया, इसमें कसूर बच्चे का है या बाप का? सिपा सलारे आजम की खिदमत में पैगाम है कि फौजे कूच के लिए तैयार है। आलमपना, शाही हुक्म का इंतजार है। राजा मान सिंह, हम चाहते हैं काबुल की मुहिम पर शहजादा सलीम को तुम्हारे हमरा भेजें। अपाजन, आलमपना, महाबली, आज आपने मेरे बच्चे को इस काबिल समझा कि वो सल्तनत का बोझ आपके साथ मिलकर उठाए।
आज मेरा बच्चा जवान हो गया। आज हमारा बच्चा जवान हो गया रानी। आलमपना, मुहिम खतरनाक है। जान इशारों के होते हुए वलीहद को इस मुहिम पर भेजने की क्या जरूरत है? मुहिम कैसी भी क्यों ना हो, सल्तनत के हजारों बेटों को जंग में भेजकर अपनी जवान औलाद को आंखों के सामने रखना खुदगर्जी है। हम अपने साथ रियायत नहीं कर सकते। मुल्कों को फतह करने से पहले बादशाहों को अपने दिल फतह करने पड़ते हैं। ठीक है, मेरा लाल रंग भूमि में जाएगा, अपनी बहादुरी के जौहर दिखाएगा। क्यों बेटा, जाएगा ना? माँ, जाएगा, जरूर जाएगा। अनारकली की खुशियों का लुटा हुआ कारवां और जुदाई की लंबी रातों की तरह खत्म न होने वाली तलाश। कारवां पहाड़ों रेगिस्तानों से गुजरता हुआ हिंदुस्तान की सरहद के पार हो गया। इधर अनारकली फिराक यार में बेकरार थी, उधर सलीम तलाश महबूब में दीवानावार वीरानों की खाक छान रहा था। एक रात हिंदुस्तान से दूर सरहद के पास असमत फरोशी का यह हौलनाक मंजर देखकर अनारकली के दिल ने बेख्तियार अपने महबूब को पुकारा। कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है, शायद शायद ये दर्द भरी पुकार सलीम के दिल में उतर जाए। मैं कुछ गलत अर्ज कर रहा था? तो अब सुनिए इस चहकती हुई बुलबुल के रसीले गीत और देखिए इसका होशरुबा नाद। मैं कहता हूँ जवाब नहीं, सारी दुनिया में इसका जवाब नहीं। गा गा अगर दानों को अपना कमाल दिखा, नहीं गाएगी आजा मेरी किस्मत के खरीदार, अब तो आजा। सपने लगाए बोली
तुम्हारी बच्ची को खिताब दिया था। दिमाग चल गया है। चलो भाई चलो। सौदा अच्छा रहा। शर्म आ रही है। ठीक है, ये ढकते हुए सुर्ख कार, ये शर्म से झुकी हुई आंखें, ये हुस्न, ये जवानी, जियो जियो। मैंने तुम पर कोई जुल्म किया? वाह, देखो जी, मैंने तुम्हारे लिए बेहिसाब दौलत खर्च की। तुम्हें बचाने के लिए मैं 10 आदमियों से अकेला लड़ा हूँ, अकेला। जान तक की परवाह नहीं की मैंने।
मैं तुम्हें गुनाहगार नहीं करूंगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ठीक है, मंजूर है ना? काश तुम जानते कि औरत जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्द का दामन पकड़ती है और खुदा के बाद उसी पर ईमान लाती है। रिहाई पाने के लिए बहाना खूब तराशा है। सच्चाई को बहाना न समझो। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दो और देखो, और देखो मेरे हर सांस से मेरे महबूब की आवाज आएगी। हसीना, तुम्हारा हर लफ्ज तुम्हारे हुस्न की तरह खूबसूरत है लेकिन असर से खाली। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हारी पुकार मेरे दिल में नश्तर बनकर क्यों नहीं उतर सकी? परवती का मोहब्बत करने वाले का तू ही निकाब बन, रहम कर मुझ बदनसीब पर, रहम कर मुझे रोशनी दिखा दे मेरे मालिक, मुझे रोशनी दिखा। दिल की लगी है क्या ये कभी दिल लगा के दे, आंसू बहा के देख कभी मुस्कुरा के दे, परवाना जल रहा है मगर जल रहा है क्यों, परवाना जल रहा है मगर जल रहा है क्यों, ये राज जानना है तो खुद को जला के दे। मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है, मुझे मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है, एक शोला है जो सीने में छुपा रखा है, मुझे मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है, मुझे मत पूछ।
में क्या रखा है। बस अनार बस, मेरी अनार। मैं हूं तुम्हारे सिपाहिया, मैं हूं तुम्हारे पास सिपाहिया। मेरे साथ चले आओ राजा साहेब। और गैर हाजिरी कुछ के वक्त तुम्हारी गैर मौजूदगी और जो कुछ मैंने यहाँ देखा नाकाबिले माफी है। ये वही लड़की है जिसे शहंशाह ने अनारकली का खिताब दिया था। इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं। रहम कीजिए राजा साहब, इस मासूम पर रहम कीजिए। देखिए ये मेरे इंतजार में जाग जाग आज पहली बार सोई है। इसे मेरी मोहब्बत के खातिर तरह तरह के जुल्म सहे। रहम कीजिए राजा साहेब, रहम कीजिए। हुकूमत रहम से नहीं कानून से चलती है। कानून आपके मात है लेकिन शहंशाह का इंसाफ उसे आप भाल सकते हैं। और मेरा फर्ज क्या है? आपका फर्ज यही कि तुम्हें यहाँ से ले जाया जाए और अगर मैं जाने से इनकार करूँ तो तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और इस लड़की को जिसने तुम्हें हुक्म दुनी पर आमादा किया है खत्म किया जाएगा। तो आप मुझे जिंदा नहीं मुर्दा ही गिरफ्तार कर सकते। राजा साहब ये बगावत है, ये मोहब्बत की पुकार है। मुझे लड़ने पर मजबूर न करो। और आप कर रहे हैं राजा मानसिन बगावत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने महबूबा के जितने बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिपाही जाओ गिरफ्तार कर लो, ले जाओ। बेहोशी ये वो दवा है जो कभी भी असर नहीं होती। खुदा रहम करे सारा चेहरा जर्द हो गया, नस भी कमजोर होती जा रही। तो कुछ कीजिए हकीम साहब, बेहोशी दूर करने की कोई दवा दीजिए। सारी दवाएं बेअसर हो चुकी हैं मलका आलम, अब कोई दवाएं नहीं होश में नहीं ला सकती। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कोई दवा तो जरूर होगी, कोई चीज। गुलाम मजबूर है आलम पना, साहेब आलम को होश में लाना मेरी ताकत से बाहर। आपका मतलब है शेखू, शेखू कभी होश में नहीं आएगा। दवाओं का वक्त जा चुका, अब मरीज को हुजूर की दुआओं की जरूरत है। राजा मानसिंह
जहां पना मान सिंह फौरन खैर खैरात का बंदोबस्त करो, शाही खजाना यतीमों और गरीबों को लुटा दो, कैदियों और मौत की सजा पाने वालों को रिहा कर दो, और कहो सबसे कि शहजादा सलीम की जिंदगी के लिए दुआएं मांगे, कहो हिंदुओं से मंदिरों में जाएं, कहो मुसलमानों से सजदे में गिर जाएं, कहो लोगों से अपने वली अहद के लिए रब्बुल इज्जत से भीख मांगे। तलब किया जा रहा है। चलो, आलम पनाह ने तलब फरमाया है। अनारकली आलम पनाह, तुम्हारी आवाज की तासीर शहजादे में फिर से जिंदगी की किरण फूटी, तुम शायद हमारी दुआओं का जवाब बनकर आई हो। आओ वे फरिश्ते रहमत हमारे बेटे को जिंदगी दो। देर ना करो, आओ आओ अनारकली। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे बच्चे ने मुद्दत के बाद मुझे माँ कहा है, शायद तुम्हारे तुफैल मेरी गोद भर जाए। हम मुंतजिर हैं, हमारी जिंदगी का मालिक हमसे मिला दो अनारकली। गाओ गाओ अनारकली। Thank you.
कर दुआ कर वो मेरी दिल खुदा से दुआ कर वो मेरी दिल खुदा से दुआ कर दामन दिखा कर दुआ कर गमी दिल खुदा से दुआ कर गमी दिल खुदा से दुआ कर। शेखू मेरे बच्चे आलम जिंदाबाद शहजादा सलीम जिंदाबाद बोली आ जा चलते रहे जिंदाबाद। वो कहा है अनारकली आलम पना शहजादा तुम्हें याद कर रहा है क्या बात है अब आप मुझे इजाजत दीजिए रुको मां रुको इधर आओ बच्ची ये आ जिंदाबाद शहजादा सलीम जिंदाबाद अनारकली क्या दुख है तुम्हें तुम तो मोहब्बत में सरशार फूलों की तरह खिली रहती थी तब मेरा महबूब मेरे पास था और अब और अब वो बहुत बड़ा आदमी हो गया जहां बना बहुत बुलंद वो कितना ही बुलंद क्यों ना हो हम तुम्हें शाही इनामात से माला माल करके उसे ऊंचा कर दें नहीं जहां बना अब वो मुझसे बहुत दूर हो गया है हम हिंदुस्तान भर में मनादी करवा के उसे तुम्हारे पास बुला दें उसके मिलने की उम्मीद में तो ये दिन काटे मगर वो अब कभी नहीं लौटेगा जहां बना खुदा आपके शहजादे की हयात दराज करे आप मुझे इजाजत दीजिए ये कैसे हो सकता है ऐलान हो शहजादे का जश्न सेहत मनाया जाएगा घबराओ नहीं लड़की मैं राजा मानसिंह हूं राजा साहब हरमसरा में इस तरह आना खिलाफ दस्तूर है लेकिन मैं मजबूर होकर आया हूं बस आइए बेहतर यह है कि बगैर कुछ कहे तुम सब कुछ समझ जाओ मैं कुछ नहीं समझी समझी नहीं या समझना नहीं चाहती पहले ना बुझाइए राजा साहब जो कुछ कहना है साफ साफ कह दीजिए मैं तुम्हारी जरूरत की दाद देता हूं लड़की लेकिन यह जरूरत कहीं तुम्हारी बर्बादी का सामान ना बन जाए शहंशाह मान सकते हैं सारी दुनिया मान सकती है कि तुम सिर्फ एक खाना बदोश लड़की हो और यूं ही घूमती फिरती राजधानी में आ निकली हो लेकिन मैं नहीं मान सकता मुझे तुम्हारी मोहब्बत का राज मालूम है क्या मालूम है आपको कि तुमने चींटी होकर एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की एक अदना खाना बदोश होकर एक शहजादे को अपने दामे मोहब्बत में गिरफ्तार किया क्यों
हिंदुस्तान की मलका बनने के लिए, महलों के ऐशो आराम के लिए, लालच से मजबूर होकर दौलत के लिए, ये लो दौलत और चली जाओ यहां से, जाओ और अपनी हर हवस पूरी कर लो। आपकी दौलत आपको मुबारक। दौलत की हवस आप अमीरों को होती है, हम गरीबों को नहीं। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, महलों का ऐशो आराम नहीं चाहिए, सिर्फ मोहब्बत चाहिए, वो भी आपके शहजादे की नहीं, सिर्फ उस सिपाही की जिसके भेष में आपके शहजादे ने मुझसे मोहब्बत की, मुझे धोखा दिया, मेरे अरमानों से खेला, मेरी जिंदगी बर्बाद करके अपनी हवस पूरी की, और आज वो शान से महलों में बैठा है। मैं पूछती हूँ, गरीब की अमीर से मोहब्बत जुर्म है? तो अमीर का गरीब को धोखा देकर अपनी हवस पूरी कर लेना जुर्म है या नहीं? क्या इसकी भी कोई सजा है आपके कानून में? खामोश क्यों हो गए राजा साहब? इंसाफ पसंद शहंशाह के इंसाफ पसंद वजीर, बोलिए, क्या इस जुल्म के लिए आप अपने शहजादे को कोई सजा दे सकते हैं? मैं शर्मिंदा हूँ लड़की, मगर फिर भी तुम्हारी भलाई के लिए मैं यही कहूंगा कि तुम यहां से चली जाओ, नहीं तो ना मालूम क्या जाएगी। तबाही, इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती है कि मेरे महबूब ने मुझे धोखा दिया, मेरे महबूब ने मुझे धोखा दिया। मगर आप इतनी नाल रखिए, मैं पूछती हूँ जश्न के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? शहंशाह का हुक्म, हर हुक्म के बावजूद चली जा, मोहब्बत की जंजीरें टूट चुकी, तू बर्बाद हो चुकी, अब क्या इंतजार है? इंतजार नहीं, अब कोई इंतजार नहीं। तू अपने आप को धोखा दे सकती है, मुझे नहीं। मुझे तेरी आंखों में उम्मीद की झलक नजर आ रही है, शायद वो आ जाए। नहीं, वो कभी नहीं आएगा, तेरी उजड़ी हुई दुनिया कभी आबाद नहीं होगी, वो तुझे भूल चुका है, वो तुझे भूल चुका है नादरा। नहीं, उसने मुझसे मोहब्बत की थी, मोहब्बत। अनारकली,
अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से आने से माजूर है आलीजा। उसे इत्तला हो, ऐसे मुबारक मौके पर अलालत बदशगुनी समझी जाएगी। जश्न शुरू हो। साहब कुछ शुरू हो। जाग जाग
जाग जाग जाग जाग जाग जाग जाग जाग जाग जाग जाग जाग जाग जाग जाग जाग जाग जाग नायात सबके लिए बराबर है, लेकिन कमाल की दाद जरूरी है। मानना पड़ता है कि आज की बाजी अनारकली की रही। हम अनारकली को रकासाए खास के खिताब से सरफराज करते हैं। अनारकली जिंदाबाद, रकासाए शाही। अनारकली आओ। ماں بدولت کو یقین ہے کہ فرمان شاہی کے مطابق انارکلی کا محبوب دربار میں موجود ہے، حاضر ہو، بے خوف و خطر حاضر ہو۔ اگر اس کا عشق سچا ہے تو ہمارے روبرو آئے۔ बातें कर रही है बेटा, जरा सोच तो, फिर से कहां दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे। यहां आराम है, सुख है, चैन है। मां, तुम्हें इस सुख चैन की कीमत मेरी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। बोलो, तुम्हें मेरी जिंदगी चाहिए या मौत? नहीं मेरी बच्ची, तुम मां चलो चले, तुम्हें मालूम नहीं क्या हो जाएगा। अपनी बच्ची पर भरोसा करो मां, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही। मेरी बात मान लो माँ, मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे ले चलो माँ। जैसे तेरी मर्जी। चल जाने से पहले बेगमों से तुम मिल ले, उनका शुक्रिया तो अदा कर दे। नहीं माँ,
तुम हो, मैं नहीं जाऊंगी। परवेश, अनारकली जा रही है, परवेश अनारकली जा रही है, मेरी जान निकल रही है। हाँ वाकई, दिल की धड़कन भी कमजोर होती जा रही है। जाकनी का आलम है साहिब आलम। मैं मुसीबत में हूँ और तुम्हें मजाक सीख रहा है। मजाक का तो मौका ही है साहिब आलम, कहते हैं जिसको इश्क आलम है दिमाग का। मेरी मोहब्बत का मजाक ना उड़ाओ, हो सके तो कोई तरकीब बताओ। तरकीबें तो बहुत हैं साहिब आलम, लेकिन इसका डर है। इसी पे दोस्ती का दम भरते थे। जान देने से तो नहीं डरता साहिब आलम। देखिए ना, आप जान ले तो कम अज कम हमदर्दी से तो लेंगे, लेकिन शहनशाह तो बड़ी बेदर्दी से मौत का हुक्म सादर फरमाएंगे। मरना और बेदर्दी से अच्छा नहीं साहिब आलम। शहनशाह, ठीक है, तुम भी शहनशाह के डर से मजबूर हो, मैं भी उनके खौफ से बेबस। अनारकली जा रही, चली जाए, उसे रोकने वाला कौन? सलीम, बदबख्त सलीम, हिंदुस्तान के नामुराद शहजादे। काश तू भी एक अदना इंसान की तरह मोहब्बत कर सकता। आपके आंसुओं पर मेरी जान निसार, लाइए क्या पैगाम है? तुम हरम करा में किस तरह जाओगे? पैगाम पहुंचे तो क्यों कर? पैगंबर मिल गया, नामबर आ गया साहिब आलम। ओहो, कहाँ है पैगंबर? आप चिट्ठी दीजिए। महल तरा में जा, और तो सबसे ज्यादा खूबसूरत हसीन नाजबीन नाजक अंदाम हसीना हो, जिसे देख के चांद शर्माए, सितारे आंखें झपकाए, उससे जरा साहिब आलम का दिल तो दे। आ, ये क्या दीवान? जा बेटा, जिससे किसी के हाथ लग गए तो मिनान रखिए साहिब आलम। आखिर किसका हिरन है? माशूकों को ताड़ने में अपने मालिक से कम नहीं। मौत का हुक्म सुनाकर जा रही हो, वो तुमसे जीने का हक मांगता है। मोहब्बत का आखिरी इम्तिहान चाहती हो, शमे वफा जलाकर आज रात को मेरी राह दे। तुम न मिली तो समझूंगा इस रात की सुबह मेरे लिए नहीं। क्यों मालूम नहीं, जरूर कोई हाल। जा पता लगा, जा। Thank you.
क्या करने आए हैं? तुम्हारे पास आया हूँ अनार। मेरे पास? तुमसे अपने गुनाहों की माफी मांगने। आपने गुनाह किया ही क्या है शहजादे? हाकिम कार्याय के जज्बात से खेलना कोई गुनाह नहीं। आपने जब जहां मेरे प्यार से, मेरे आरजू से खेला, आपके इस खेल का शुक्रिया है मेरे सहजे आलम। मेरी बात तो सुनो। मुझे मत छुओ शहजादे, बस बहुत हो चुका ये खेल, अब और क्या चाहते हो? खुदा और उसके फरिश्ते गवाह है अनार कि मैंने तुमसे खेल नहीं खेला। तुमने मुझसे मोहब्बत की है। हाँ। मोहब्बत के पाक लफ्ज की तोहीन ना करो शहजादे, इसे अपनी हवस कहो हवस। अनार, आज तुम्हें मेरी मोहब्बत याद आई? उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी मोहब्बत जब दो चार दिन के लिए मेरे जज्बात से खेलकर तुम गुम हो जाया करते थे? मैं तुम्हारी याद में दर बदर की ठोके खाती फिरी, हस्तियों के जुल्म से बाजारों में गुलामों की तरह बिकी। मैं पूछती हूँ कहाँ थी तुम्हारी मोहब्बत उस वक्त? जाओ शहजादे, चले जा। मोहब्बत का लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। मगर तुमने मोहब्बत करना सिखा दिया है अनार, मैं तुमसे माफी की भीख मांग रहा हूँ। मुजाक, कितना बड़ा मुजाक, भले ऐसे सल्तनत एक कनीज से भीख मांग रहा है। तुम कनीज नहीं, मेरे दिल की मलिका हो, और मैं वली अहद नहीं, तुम्हारा गुलाम हूँ अनार। अपने गुलाम को माफ कर दो। हवस तुमसे खुशामद करवा रही है। मोहब्बत को हवस न कहो, मेरी आंखों में देखो, क्या मेरे आंसू मेरी मोहब्बत के गवाह नहीं? ये धोखा बहुत खा चुकी हूँ। इतनी बदमाने कि मेरे आंसुओं को भी धोखा कह रही हो? एक शहजादे के आंसुओं का क्या इस बार? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ अनार। ये सब झूठ है, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? चली जाना चाहती हूँ यहाँ से, इस धोखे झूठ फरेब की दुनिया से दूर, बहुत दूर। मेरी मोहब्बत हवस, मेरे आंसू धोखा, मेरे इरादे झूठ। अच्छा, जाती हो तो चली जाओ, लेकिन याद रखो मेरा दिल तुम्हारी तस्वीर बन चुका है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। ये तुम्हारा ख्याल है शहजादे? ख्याल नहीं, हकीकत है। मैं जान देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दे सकता हूँ। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं शहजादे।
तुम्हें सबूत चाहिए अनार, तुम सबूत चाहती हो अनार? सिपाहिया, सबूत चाहती हो? ये तुम क्या कर रहे हो सिपाही? मैं मर जाता, तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाता। सिपाहिया, मेरे अच्छे सिपाहिया, अब तो नहीं जाओगी यहां से। अब तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ अनार? अनार, सुबह हो रही है, अब मैं जाता हूं। शहजादे, फिर आओ, हर रोज हर शाम तुम चांद की पहली किरण के साथ शमा जलाकर मेरा इंतजार करना। मैं मोहब्बत की मंजिल पर पहुंच जाया करूंगा। लड़की, जो कुछ मैंने सुना ठीक था, तुम शाही महल में ठहरने का फैसला कर चुकी हो। पूछता हूँ क्यों नहीं गई तुम? शहंशाह का हुक्म। क्या तुम शहंशाह के हुक्म के बावजूद जाना नहीं चाहती थी? अब मैंने इरादा बदल दिया है। मालूम होता है तुम्हारी शहजादा सलीम से मुलाकात हो चुकी है। अगर मैं इनकार करूँ तो? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। राजा मानसिंह की नजरें पहचान सकती है कि तुम्हें मेरा हुक्म न मानने की जरूरत क्यों कर हुई। तुम्हें शह देने वाला मुजरिम कौन है? मुजरिम? उनका जुर्म क्या है राजा साहब? यही कि उसने तुमसे फरेब किया, तुम्हें नामुमकिन उम्मीदों के सब बाग दिखाए। ये सब झूठ है, धोखा है। अगर उनकी बात झूठ है तो असलियत क्या है राजा साहब? असलियत यह है कि तुम एक कनीज हो और हिंदुस्तान के वलीयत की किस्मत कभी किसी कीमत पर एक कनीज से वाबस्ता नहीं की जा सकती। यह हमारा दस्तूर है। तो मुझे वो नहीं, आप हैं राजा साहब। खामोश गुस्ताख लड़की, अदब के दायरे से बाहर ना हो। गुस्ताख माफ राजा साहब, मुजरिम आप हैं जो मोहब्बत को दौलत के तराजू में तोलते हैं। खुदा ने सब इंसान बराबर बनाए, आप जैसे उन्हें ऊंच नीच गरीबी अमीरी का ढोंग जाकर उनके बीच में दीवारें खड़ी कर दी। शाही दस्तूर खुदाई कानून की तरह अटल है। इस मामले में मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। मेरी उम्मीदें आपसे नहीं राजा साहब, उससे हैं जो सोने की दीवारों में रहकर भी इंसान है, दिल रखता है, मोहब्बत करता है और मोहब्बत करने पे मजबूर कर सकता है। वो बेवकूफ है, अंधा है, सब कुछ जानते हुए भी अंजाम से बेखबर है। वो मोहब्बत के पर्दे में तुम्हारी जान से खेल रहा है। मेरी जिंदगी उनकी है, वो शौक से खेले, आपको क्या फिक्र? कुछ नहीं, तुम जान की बाजी लगाकर महल में ठहरना चाहती हो तो ठहरो, लेकिन याद रखो तुम्हारी हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जाएगी, तुम्हारी हर खबर मेरे कानों तक पहुंचेगी। सोच समझ कर कदम उठाना, जो कदम भी वो छा पड़ा वही तुम्हारा आखिरी कदम होगा। अगर अपने महबूब के कदमों में मुझे मौत भी मिले तो जिंदगी है, जिंदगी है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। आज या तख्त या दौलत हो जमाने भर की, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। अनारकली रात को छुपकर किसी से मिलने जाती है,
देखा जाएगा। कर रहेगी, तुम नार के फंदों से बचकर नहीं निकल सकते। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, दो मोहब्बत भरे दिल साथ धड़कते हो जहाँ, सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है, सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। आज रात बागे उम्मीद में हुस्न की राह देखेगा। साहिब आलम और अनार के नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तू जुट गई गुलजार, तू जुट गई। अनार के लिए तेरा सब कुछ लूट लिया। हिम्मत करो गुलनार। हाँ हाँ हिम्मत है तो जिंदगी ऐसा इंतका जो गुलनार की मोहब्बत की यादगार बनकर रह जाए। क्या करोगी गुलनार? इश्क आज रात हुस्न की राह देखेगा, लेकिन हुस्न को राह दिखाने वाली गुलनार होगी। कौन सी राह? मौत की राह, हरम सराह की सुरंग जहां शहजादे का खून हा शेर है। अनारकली को इसका इलम नहीं, वो मेरा खत पाकर शहजादे को मिलने सुरंग में आएगी और फिर वो होगी और खून का शेर, अनारकली की खाक को खून में लिथड़ी हुई लाश। बहुत देर हो गई परवेश। इंतजार में वक्त की रफ्तार हो ही जाती है साहिब आलम। वो आ गई साहिब आलम। अब तुम जाओ। खुदा के हवाले, पहरेदार रहेंगे ताकि हजूर की ऐश में खलल न पड़े। जानो हम कौन हैं? बताओ। जवाब दो। हम वो नहीं जो तुम समझ रही हो। तुम बोलती क्यों नहीं? हाँ ठीक तो है,
हर तरफ खामोशी छाई हुई तो हम ही क्यों बात करें? आओ, हम भी चुपचाप बैठ जाएं। शहजादे। अनार, कौन? तुम कौन हो? गुलनार। हाँ, खुश नसीब अनार ने, बद नसीब गुलनार। धोखे बाज। मुझे अलग ना करो शहजादे, मुझे अलग ना करो। धोखे नहीं सही, लेकिन ये धोखा मुझे बहुत प्यारा है। कितना आराम है, कितना सुकून। तेरी ये जुर्रत। अगर मैंने कनीज होकर तुमसे मोहब्बत की तो वो भी तो खामोश पे शर्म। तू अनारकली की पाक मोहब्बत का क्या मुकाबला कर सकते हैं? उसके कदमों के खाक तक नहीं। इसलिए कि उसकी मोहब्बत कामयाब है और मेरी नाकाम। शहजादे मोहब्बत को जलील मत करो। शहजादे मोहब्बत को इतना जलील मत करो। जब औरत की नफरत में मोहब्बत समा जाती है तो वो न जाने क्या कर बैठती है, क्या कर गुजरती है। तू हमें धमकी दे रही है? नहीं शहजादे, नहीं। मैं तो तुमसे भीख मांगती हूँ। प्यार की एक नजर, मोहब्बत का एक लम्हा, एक लम्हे के लिए, जैसे एक लम्हे के लिए अपने आप को मुझे दे दो। ये लम्हा मेरा है, मेरा है। तू हो जा मेरा खत्म। तुमने गुलनार की मोहब्बत देखी, अब गुलनार का इंतकाम भी देखो। मोहब्बत जिंदगी के सारे अरमान समेट कर तुम्हारे कदमों पे आ गिरी थी। तुमने उसे ठुकरा दिया, जलील कर दिया। ये ठोकर तुमने मुझ पर नहीं, अपनी तकदीर पर मारी। क्या कर सकती है तुम हमारा? मैं तुम्हारे राज की दजिया उड़ाकर सारी सल्तनत में बिखेर। कौन सा राज है? क्या सबूत है तेरे पास? बहुत बड़ा सबूत। आसमानों पर परिंदे उड़े थे, तुम्हारे कबूतर, और मेरे पास तुम्हारी तहरीर मुझे मिली थी। और वो तहरीर किस्मतें पलट सकती है, मेरी खोई हुई इज्जत वापस दिला सकती है, और तुम्हें मेरा गुलाम तक बना सकती है। लेकिन मैं तुम्हारी गुलामी तक कबूल नहीं करती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ शहजादे, नफरत। नफरत हमेशा इंतकाम मांगती है, तुमसे इंतकाम, अनारकली से इंतकाम। और तुम जानते हो शहजादे, तहरीर का शहंशाह तक पहुंचना काफी है, फिर अनारकली की सितार कैद खाने में डाली जाएगी, उस पर जुल्म टूटेंगे, मौत के हुक्म सादिर होंगे, और मैं खुशी से हंस रही हूँ। और तुम रोते हुए मेरे पास आओगे, मेरे कदमों पर गिरोगे, मैं तुम्हारे कदमों पर गिरी थी, और कहोगे गुलनार मुझसे सब कुछ ले ले मगर अनारकली की जान बचा ले, और मैं तुम्हें ठुकरा दूंगी जैसे तुमने मुझे ठुकराया है, और कहूंगी मुझे मौत चाहिए, सिर्फ मौत, अनारकली की मौत, जिसमें मेरा सब कुछ जीना है, मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी। अनारकली की मौत ही मेरी जिंदगी है। तू अपने नापाक इरादों में कामयाब हो, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। यह मौत तुझ जैसे गुनाहगार के लिए आसान है। मैं तुझे अपने शेर के सामने डालूंगा, जो अपने मुंह के खून से तेरे इंतकाम की आग को ठंडा करे, तेरी बोटियां उड़ा दे, तेरी हड्डियां तपाकर तेरे नाम और निशान। Thank you.
जिंदगी का सौदा इसकी मौत से कर रहा हूँ। अगर इसकी मौत ही मेरी जिंदगी तो मुझे जिंदा रहना मरूद नहीं। तुम क्या कह रही हो आना? ठीक कह रही हूँ। काश तुम समझ सकती कि मेरी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी है और मोहब्बत पर मौत का कोई इख्तियार नहीं। तुम्हारी जान का दुश्मन मेरे जीते जी जिंदा नहीं रहता। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तो समझ लेना तुमने अपने हाथों से अनारकली की मोहब्बत का गला खोल दिया। छोड़ दो। गुलनार, तुमसे भी मेरी एक इल्तिजा है, हो सके तो इस नफरत को प्यार से बदल दो। मुझे माफ कर दो बहन, मेरे गुनाह बख्श दो। ऐसा न करो गुलनार, तुम नहीं जानती मैं कितनी पशेमान हूं, कितनी शर्मिंदा हूं। खुदाया, अगर मेरे दिल में अनारकली की मोहब्बत की जगह कुछ और हो तो मैं दोजख की आग में जलूं, मुझे कब्र में भी चैन ना मिले। चलो अनार, कहां है वो डेयरी? मैं कसम खाती हूं मेरे पास नहीं। अच्छा नहीं है तो फिर भाग क्यों रही हो? देखती हूं या मैं खुद ढूंढ निकालू? देखती हूं, देखती हूं। अनार, तुम नहीं जानती अनार गुलनार कितनी खतरनाक है, कितनी जहरीली। मोहब्बत करने वाला खुदा निगेबान होता है। मैंने फैसला कर लिया है अनार। क्या? वक्त आ गया है कि महाबली को हमारी मोहब्बत का इल्म हो जाए। कैसे? महाबली की सालगिरह का मुबारक दिन आने वाला है। उस रोज वो दुनिया की फिक्रों से आजाद होकर जिंदगी की खुशियों में डूब जाते हैं। हुकूमत सो जाती है, मोहब्बत जाग उठती है। इसमें तुम मुझे नहीं, शीश महल के जश्न के वक्त मोहब्बत की मतवाली अनारकली नाचेगी गाएगी, उसके साथ साथ दुनिया का हर जर्रा फिकेगा गुनगुनाएगा। तमाम दरबार सारे नवरत्न यहाँ तक कि शहनशाह खुद मस्त होकर झूम उठेंगे। ऐसे में मैं तुम्हें उनसे मांगूंगा। और फिर वो कभी इनकार न कर सकी? नहीं, कभी नहीं। शीश महल हमारे लिए नई जिंदगी का पैगाम लाएगा। शीश महल तुम्हारे लिए जिंदगी नहीं, मौत का पैगाम लेकर आएगा। तैयार तो हो लेने दो, फिर देखना। ये नाच, ये अदाएं, ये नखरे, ये बिजली किससे गिरेगी? इजाजत हो तो इनका हुस्न मैं तैयार कर दूं। तैयारी ही बेटा, देख लो कोई कमी रह गई हो तो। हाँ कोई बच नहीं सकता। जाओ, नशे का असर होते ही कदम लड़खड़ाएंगे, नजर बहकेगी, मोहब्बत का राज फाश हो जाएगा।
अनारकली समझो। मुझे इल्जाम न देना, मेरी बेहोशी का मुझे इल्जाम न देना, मेरी बेहोशी का मेरी मजबूर मोहब्बत की ये रुसवाई है। मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, जमाना ये समझा के हम पी के आए। मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, जमाना ये समझा के हम पी के आए। जिसे काम हो रात दिन आसुआ से, जिसे काम हो रात दिन आसुआ से, उसे हुक्म ये है हंसे और हंसाए, उसे हुक्म ये है हंसे और हंसाए, जमाना ये समझा के हम पी के आए। किसी की मोहब्बत में मजबूर हो गए, किसी की मोहब्बत में मजबूर होकर हम उन तक तो पहुँचे वो हम तक ना आए, हम उन तक तो पहुँचे वो हम तक ना आए, जमाना ये समझा के हम पी के आए। वो जिनके लिए जिंदगानी लुटा दे, वो जिनके लिए जिंदगानी लुटा दे, ये बैठे हुए हैं मेरा दिल चुराए, ये बैठे हुए हैं मेरा दिल चुराए, माना ये समझा के हम पी के आए। नजर तो मिला, छुपोगे कहाँ तक नजर तो मिला, नजर तो मिला। तुम्हारे बला से मेरी जान जाए, तुम्हारे बला से मेरी जान जाए, जमाना ये समझा के हम पी के आए। मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, जमाना ये समझा के हम पी के आए। अनारकली क्या बोला? इसे गिरफ्तार कर लो। मुझसे सब कुछ ले लीजिए, हिंदुस्तान का तख्त, महलों के आराम, खजानों की दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अनारकली दे दीजिए और मैं समझूंगा आपने मुझे सब कुछ दे दिया। और तेरा बाप यूं ना माने तो आप उनसे कह दीजिएगा वो मुझे जिंदा न पाएंगे, कल मेरी बजाय उन्हें मेरी लाश मिलेगी, फिर वह शान से अपने वलीहद का जनाजा निकाले, दिल की हसरतें पूरी कर। तुम चाहती हो हम सलीम को अनारकली दे दे, एक रकासा को हिंदुस्तान की मलिका बना दे? तुम जानती हो एक मलिका के फराइज, वो पाकिस्तानी और कुर्बानी की बीवी होती है, अपनी रियाया की माँ, जैसे तुम हो महारानी, न कि सिर्फ एक रक्कासा, एक आला तफरी,
दिल बहलाने का एक खिलौना। आपका इरशाद सर आंखों पर, लेकिन जो मुझ पर बीत रही अगर आपको उसकी खबर होती। क्या बात है हमें बताओ। मैं तुम्हें छुड़ा कर ले जाऊंगा, फिर ये जिंदा ना होगा, नहीं जिंदा के मजबूर हुआ। मोहब्बत फिर पहले की तरह आजाद होगी, मैं और तुम होंगे, सिर्फ मैं और तुम। ये सब तो तुम हमेशा कहा करते हो, शहजादे होना मजबूर हो। मजबूर हूं इसलिए कि मैं शहजादा हूं। जलालुद्दीन अकबर का इकलौता बेटा, सल्तनत मुगलिया का अकेला चश्मत राज, हिंदुस्तान मेरी बहुत मिलकियत है, इसलिए तुम्हें तंजीरों में चकर दिया गया है। नाना मैं तुम्हारे कदम खाकर कहता हूं, मैं खून की नदियां बहा दूंगा। ये हुकूमत नहीं रहेगी, ये सल्तनत नहीं रहेगी, मुगलिया खानदान नहीं रहेगा, अकबर रहेगा ना सलीम। होश में आओ शहजादे, ये तुम क्या कह रहे हो? मोहब्बत करने वाले खून की बातें नहीं किया करते। ऐसी बातें न करो अनार, तुम्हारी यही बातें मेरे इरादों को कमजोर बनाती रही है। हुकूमत रहे न रहे, सल्तनत रहे न रहे, सलीम बादशाह बने न बने, मगर हम तुम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, ये मेरा अटल फैसला है। ये बगावत है। नहीं, ये मोहब्बत की पुकार है। आलमपना, आलमपना। तुम्हारी ये जुरत, जान की अमान पाऊं जहां पना। आलमपना के खिलाफ वली अहद सल्तनत ने बगावत कर दी, वो फौजी लेकर शाही महल पर चढ़े चले आ रहे हैं। सलीम ने बगावत कर दी है। माउंटेन सुना महारानी, सलीम बच्चा है, अपनी उम्र के और जवानों से मुख्तलिफ नहीं, हम उसे जाकर मना रहे। ये तूने क्या किया शेखू, औलाद बाप के सामने अपनी माँ का सर बुलंद किया करती है बेटे, और तूने आज उसका सर हमेशा हमेशा के लिए झुका दिया। शिकस्त, शिकस्त अकबर आजम को शिकस्त, सल्तनत मुगलिया को शिकस्त, और वो भी किससे? एक हमारा कनीज, एक कनीज के खातिर वो अपने माँ बाप से लड़ना चाहता है, मुगलिया सल्तनत को मिटा देना चाहता है। गुलाम हाजिर है मान सही, फौरन शाही फौज लेकर सलीम की सरखोबी के लिए जाओ, उसे जिंदा मुर्दा पकड़ लाओ। नहीं नहीं भैया, तुम सलीम के मामा हो, कांच बनकर मेरी कोख पर लात ना मारो। ये शहंशाह का हुक्म है बहन। महाबली ये अनर्थ ना कीजिए, कहाँ शाही फौजें और कहाँ सलीम। हुकूमत किसी बागी को बर्दाश्त नहीं करती। मगर ये बागी कोई और तो नहीं, अपने ही जिगर का टुकड़ा सलीम है। वो अपनी फौजें ले आए, हमें गिरफ्तार करे, हमें मार डाले। वो हमारा बच्चा है, हम उसके माँ बाप है, हम हंसते हंसते उसकी खुशी पर निछावर हो जाएंगे। ये एक राजपूतनी कह रही है, एक सैनी और हिंदुस्तान की मल्लिका। हाँ, इसलिए कि मैं माँ पहले हूँ, बाकी सब कुछ बाद में। माँ बेटे के जीवन के लिए अपना सब कुछ दे सकती है। मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, ये शान और शौकत नहीं चाहिए, मुझे अपना बेटा चाहिए, सिर्फ अपना बेटा। तुमने खुद ही तो कहा था महारानी कि बेटे के लिए मुगल इंसाफ का तराजू डगमगाने न पाए, तो अब क्या तुम ये चाहती हो कि जब शाह ने मुगलिया की तारीख लिखी जाए तो अकबर आजम के नाम पर ये दब्बा है कि बेटे के खाते उस नाले में मुगलिया सर निगू कर दिया। महाबली ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आप सिर्फ शहंशाह बाप नहीं। आप जरा सोचिए तो, हमने देवी देवताओं के मंदिरों में, पीरों और बुजुर्गों के मजारों पर औलाद के लिए इसलिए मन्नत मानी थी कि एक दिन हमारी फौजें उसकी जान की दुश्मन हो जाए। आप उन दिनों का ख्याल कीजिए महाबली, जब सलीम बीमार हो जाता था और हम रातें पलकों में सलीम की तीमारदारी में गुजार देते थे और उसकी जिंदगी की दुआएं मांगते थे, इसलिए कि आज शाही फौजी उसकी जान ले ले महाबली। अच्छी बात है महारानी, सलीम के मुकाबले के लिए हम जाएंगे और अकेले जाएंगे। नहीं नहीं महाबली, आप नहीं जा सकते, सलीम बागी है, सलीम जवान है, उसकी रगों में गर्म खून है, वो आप पर हाथ उठा बैठेगा। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो महारानी,
आप फैसला भी तो अजीब करते हैं शहंशाह। बेटा दान देकर सुहाग छीन लेना चाहते हैं, मगर हिंदू औरत बेटे पर सुहाग को हमेशा तरजीह देती है। महाबली मानसिंह, हिंदुस्तान की महारानी तुम्हें हुक्म देती है, जाओ बागी सलीम की सरकोबी के लिए शाही फौजें ले जाओ। उस नालायक को जिंदा या मुर्दा पकड़ना हो। लेकिन हिंदुस्तान के शहंशाह की ख्वाहिश है महारानी कि वो खुद जाएंगे। अगर सलीम में मुगल खून है कि वो बगावत कर सकता है, तो वो एक राजपूतनी का बेटा भी है। अपने बाप के लिए उसकी आंखों में शर्म गैरत भी जरूर होगी। मगर महाबली, जंग में बाप और बेटे का क्या रिश्ता? मैं किसकी जिंदगी की दुआएं मांगूंगी? हमारा शोहर तुमसे इल्तिजा करता है महारानी कि तुम सलीम की जिंदगी की दुआएं मांगना, क्योंकि मैं मारा गया तो कोई हर्ज नहीं। अगर सलीम को कुछ हो गया तो मुगलिया सल्तनत का चिराग बुझ जाएगा। मन, आज तुमने अपनी जवान जिंदगी का सबसे अहम कदम उठाया है, हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं। इस तरह तन्हा आने वाला क्या सुलह का पैगाम लेकर आया है या अपना एक बाल और जलाल आजमाना चाहता है? नहीं, शहंशाह अकबर एक बागी की जुर्रत का इम्तिहान लेने आया है। जुर्रत का इम्तिहान मैदान जंग में होता है। सलीम, मुगल फौजों से मुकाबला आसान नहीं, और बाप ये नहीं चाहता कि बेटा जंग में शिकस्त का मुंह देखे। हम तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं सलीम। लेकिन सलीम एक तन्हा आदमी को गिरफ्तार करके अपनी बहादुरी की तौहीन नहीं करना चाहता। बागी और तौहीन? कामयाब बागी बागी नहीं होता। सच है, लेकिन कामयाबी तुम्हें तभी नसीब होगी जब बाप के खून का तिलक तुम्हारे माथे पर लगेगा। शेखू, तुम्हारी माँ तुम्हारी जीत के इंतजार में बुझे हुए दिए लिए बैठी है। जाओ उन चराहों को रोशन करो, अपनी शहनशाही की खबर सुनाओ। उठाओ रेजा शेखू, उठाओ। बाप का सीना बेटे के नेजे के इस्तकबाल के लिए बेचैन है। ये सीना जिस पर तुम्हारा सर रहा करता था शेखू। शहंशाह अकबर के बहके हुए बहादुरों, तुम्हारा सरदार मजबूर है। जलालुद्दीन अकबर शहंशाह हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुजरिम अदालत शाही में हाजिर किए जाएं। नादिरा,
लकत अनारकली रक्सासे दरबार शाही दुख्तरे फरजंदली जुर्म बगावत मुजरिम सलीम वली अहद सल्तनत फरजंद शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ठहरो मेरे कोई माँ बाप नहीं ये मेरी बदकिस्मती कि मेरे माँ बाप नहीं और अगर होते तो वो मेरे साथ खड़े होते जैसे कि वो माँ बेहाल परेशान अपनी बेटी के गम में निढाल अपने औलाद के दुख में दीवानी उसका बस चले तो अपनी बेटी की जंजीर अपने दांतों से काटे नहीं तो अपना सर टकरा टकरा कर मर जाए मेरे बच्चे पते जुर्म में लिख दिया जाए मुजरिम सलीम का कोई बाप नहीं मैं बागी हूं मैं जानता हूं बगावत की सजा मौत है मुझे मौत का हुक्म दिया जाए नहीं ये करारे जुर्म जुर्म का सबूत नहीं आलम पना मुल्जिम को बगावत से क्या हासिल था मालो दौलत तख्त तो ताज वो क्या चीज थी जो उसे हासिल न थी जिस पर उसका हक न था जो उसकी किस्मत में न थी फिर उसने बगावत की तो क्यों मोहब्बत के खातिर दुरुस्त मुलजिम के लिए बगावत एक जज्बाती हरकत थी उसने तलवार उठाई लेकिन नादानी से बगावत की लेकिन ये बगावत ऐसी ही थी जैसा कि एक बच्चे का बाप से रूठ जाना और माँ बाप औलाद की खताएं माफ कर ही दिया करते हैं आलम पना मुलजिम सलीम कसूरवार जरूर है गुनाहगार नहीं मैं शाही अदालत से मुलजिम सलीम के लिए माफी की दरख्वास्त करता हूँ आलम पना हमारे नवरत्नों की क्या राय है आलम पना मुलजिम सलीम को रिहा किया जाए माफी का हुक्म हो जान पना बख्श दिया जाए आलम पना हुक्म हो आलम पना हुक्म हो रिहाई का हुक्म हो खुदावंदे आलम शाही अदालत को पसोपेश से निजात दिलाने के लिए अब मैं वो बात कहूंगा जो राजपूत धर्म के खिलाफ है लेकिन हिंदुस्तान की किस्मत का सवाल है परमात्मा मुझे माफ करे मुलजिम सलीम को बगावत पर उकसाने वाली मुजरिम अनारकली है ये झूठ है सरासर बातान है खामोश बयान जारी रहे जुर्म उसका है जो बार बार समझाए जाने पर भी अपनी हरकतों से बाज न आई जो चाहती तो बगावत से मौत को बेहतर समझती लेकिन जिसने बगावत में अपने ख्वाबों की ताबीर देखी जिसने अपने इरादों को पूरा करने के लिए मुलजिम सलीम को बगावत पर आमादा किया मुजरिम सलीम नहीं अनारकली है इंसाफ शहंशाह इंसाफ अपनों को बचाना तो सबको आता है दूसरों को आसरा देने का नाम ही बात चाहिए आप जानिए आपके बेटे ने क्या जुर्म किया लेकिन मेरी बेटी उसमें मेरा खून है मैं अपनी वीरान गोद की कसम खाकर कहती हूँ कि वो गुनाहगार नहीं वो वही तो है जिसे आपने खजाने दिए और उसने उन्हें कंकर समझकर ठुकरा दिया वो चाहती तो आपकी दरिया दिले के सबके आपसे आपका वलीह तक मांग सकती थी और आप इनकार न कर सकते लेकिन उसने मोहब्बत की भीख देना भी गवारा न किया अगर वो मुझे तो मासूमियत जमाने से उठ गई है शहंशाह तो मासूम कौन है अदल कहाँ है इंसाफ किस चीज का नाम है मेरी बेटी को मुजरिम करार देने से पहले आप अपने बेटे मेरी गोद खाली करने से पहले एक और माँ की को गुजारिए नहीं माँ ऐसा न कहो मुजरिम कोई नहीं न शहजादा न मैं अगर मोहब्बत जुर्म है तो हम मुजरिम हैं लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ शहंशाह तो फिर आपने मुझे जिंदा में क्यों डाल दिया इसलिए कि मेरी मोहब्बत आपको गवारा न थी एक कनीज की मोहब्बत एक शहजादे से एक गरीब की मोहब्बत अमीर से लेकिन मैं आपसे फिर पूछती हूँ शहंशाह क्या गरीब इंसान नहीं क्या गरीब और अमीर का फर्क खुदा ने बनाया है क्या हंसी खुशी दुख दर्द मोहब्बत अमीर और गरीब दोनों के दिल को नहीं तर पाते क्या आपका खून खून है और हमारा खून पानी तो फिर ये अमीर और गरीब का फर्क कैसा तो फिर मुझ गरीब की शहजादे से मोहब्बत जुर्म क्यों और अगर कोई कानून मोहब्बत को जुर्म करार देता है तो उसकी बुनियाद ना इंसाफी पर है उसके खिलाफ लड़ना इंसानी फर्ज है लड़की हुजूर शाह में गुस्ताखी की सजा मौत है मैं फिर कहूंगी और पुकार पुकार कर कहूंगी ये बगावत बगावत नहीं थी मोहब्बत की पुकार थी इंसाफ के लिए जद्दोजहद की जुल्म के खिलाफ जहाद था
है इंसाफ के मालिक। इंसाफ करने से पहले ये याद रखिए कि ये अदालत आखिरी अदालत नहीं, इससे बढ़कर एक और भी अदालत है, खुदा की अदालत, जहां आपसे आपके इंसाफ का जवाब तलब किया जाएगा। अरे खुदा, अरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे, ताकत दे, मैं एक कमजोर हूं। फरमान शाही है कि मुजरिम सलीम और मुजरिमा नादिरा ने शाही इंसाफ पर भरोसा न रखते हुए कानून को अपने हाथों में लेकर हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत की है। मुजरिम सलीम और मुजरिमा नादिरा, शाही अदालत तुम पर कानून शिकनी, बगावत बदोर शमशीर, शहनशाह हिंदुस्तान की नाफरमानी और शहनशाह के खिलाफ फौज कसी का जुर्म आयद करती है। दोनों के लिए सजाए मौत। तशरीफ लाए, शर्फे बरियाबी चाहती। महारानी, हमारे करीब ही रहना। माने दरे दौलत इसलिए हाजिर हुए हैं कि आली जा अपने फैसले पर नजर सानी फरमाए। क्या ये समझा जाए खाने खाना कि महाबली ने इस फैसले पर काफी गौर नहीं फरमाया? हम सिर्फ रहम की दरख्वास्त लेकर आए हैं मलिका आलम, मगर बाकियों को हमेशा सजाए मौत दी गई है। साहिब आलम और अपना बागियों में फर्क है आलम पना। क्यों? वो सिर्फ आपके ही नहीं, हम सबके नूरे नजर हैं, हिंदुस्तान के तख्त के वारिस हैं। मगर कानून की नजरों में वो मुजरिम है। बादशाहों और बादशाहजादों के लिए कोई कानून नहीं। अकबर के नौरतन ये कह रहे हैं खाने खाना कानून की जद से कोई बाहर नहीं, न हम न तुम न हमारा बेटा। बजाय शायद लेकिन कभी कभी मसलहत की खातिर कानून को नजरअंदाज भी करना पड़ता है। मसलहत? साहिब आलम मुगलिया खानदान के वाहिद चश्मो चराग है, वो न रहे तो ये खानदान न रहेगा, ये हुकूमत न रहेगी। हुकूमत खानदानों से नहीं उसूलों से चलती हैं। अपने खानदान को बचाने के लिए हम कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते, अपने ईमान और जमीर से गद्दारी नहीं कर सकते। खुदा ने हमें इंसाफ की ताकत दी है तो क्या कयामत के रोज हम खुदा के सामने शर्मसार हैं? और हमारे बुजुर्गों की रूहें हम पर लानत बन कि बेटे की जिंदगी के लिए हमने इंसाफ का गला घूंट दिया, मगर हम कुछ सुना नहीं चाहते। मुगल खानदान सफाए हस्ती से मिट जाए लेकिन सलीम की जान बख्शी नामुमकिन है। यह हरगिज़ नहीं हो सकता। सलीम पर जितना आपका हक है उतना हक हम राजपूतों का भी है। सलीम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के भाग की ताबीर है।
राजपूतों ने अपनी बेटी इसलिए आपसे ब्याही थी शहंशाह। आपने कहा था कि मुगलों और राजपूतों का बेटा हिंदुस्तान का बादशाह होगा, और राजपूतों ने अपनी तलवारें म्यान में डाल ली थी। आप इतिहास की उस तस्वीर को मिटा देना चाहते हैं, मगर हम राजपूत नहीं मिटने देंगे। नामालूम हो जाए, हो सकता है कि उसे बचाने के लिए राजपूतों की तलवारें फेंका जाए। आप ऐसे बाहर ना हो। जहां पना मलिका आलम, जान की अमान, ये गुस्ताखी शिद्दत गम से हुई। जज्बात की रौ में बहकर आप अपने होश हवास खो बैठे। जरा महाबली की हालत पर गौर कीजिए कि कल सुबह होते ही उनका बेटा मौत की नींद सुला दिया जाएगा। आप लोग तशरीफ ले जाए। शहजादे, मुझे मौत दो, शहजादे मुझे मौत दो। मैं ही तुम्हारी तबाही का बायस हूं, मैंने ही तुम्हारी मोहब्बत का राज फाश किया था, और मैं ही तुम्हारी मौत की जिम्मेवार हूं। शहजादे, हाँ शहजादे, मार दो मुझे, मार दो, इसी में मेरी निजात है। चंद लम्हों के बाद मौत मुझे और अनार को एक कर देगी। हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के कैदोबंद से आजाद, तुझ जैसे जलील हत्थे की निगाहों से दूर। हम तुझे मौत में अपना शरीक नहीं बना सकते, जो वह भी तेरी नापाक रूह हमारा पीछा करे। जा गुलनार, जा, तू जिंदा रहेगी और अकेली। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तू जिंदा रहकर हमेशा तो तक की आग में चलती रहेगी। नहीं नहीं, नहीं। मुझे अपने कदमों से दूर ना करो। नहीं पागल हो जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर। पागल हो जाऊंगी मैं, पागल हो जाऊंगी।
अनार। शहजादी। मुसाफिर मुसाफिर रुखसत करने आए। मुबारक। दुनिया ने इतना वक्त दिया। एक कनीज की कीमत इतनी तो न थी जितनी तुम अदा कर रहे हो। ये कम है अनार। मैं शर्मिंदा हूं। मेरे पास जान से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं। सिपाहिया, मेरा शायद तुम्हारे लिए कितना मनुष्य। ये न कहो। मोहब्बत की तस्वीर जब तक खून से न रंगी जाए लुत्फ नहीं आता। तो होश होना चाहिए। एक दिन तुम्हारा दिल लेकर खुश हूँ। आज तुम्हारी जान लेकर खुश होना पड़ता। कम न करो अनार। अटकली नहीं खिलती। सितारे टूट भी जाते हैं। ये तो खुशी की बात है अनार कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरी वफाओं की दाद दो। यही तो शिकायत है शहजादी। काश तुम बेवफा होते। सफर की तनहाई से डरती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे साथ हो ना, तुम्हारी याद, तुम्हारा ख्याल सब मेरे साथ है। सुन लेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मरने वाला को खुदा हाफिज। शहंशाह अकबर की जिंदगी में महारानी का सुहाग उजड़ गया? नहीं महाबली, मेरी मांग में सिंदूर है। फिर ये स्याह लिबास? मेरे बच्चे की शादी है। मुझे हाजिर हो। बेटे को रुखसत कर सकती है। हम इजाजत देते हैं। जो अपने बेटे को रुखसत करने आई है, लेकिन मेरे लाल तू जा ही कहां रहा है। एक माँ के हाथों से दूसरी माँ की गोद में। माता, मेरा बच्चा नाजों का पला है, अच्छी तरह रखना। मैं
बेटा, बस अब सुधारो। माँ की बेबसी आंखों में रखना, मंजिल आसान हो जाएगी। उमराए दौलत, अराकीन सल्तनत और हाजरीन को इस खुशी के मौके पर मुबारकबाद देता हूं। वो शहजादा जिसको आपकी और सारे हिंदुस्तान की आंखें एक दूसरे महाबली की शक्ल में तख्त मुगलिया पर देखना चाहती थीं, आज महाबली के इंसाफ को जिंदा रखने के लिए कुर्बान हो रहा है। शायद कुछ लोगों को जल्ले इलाही के इंसाफ में शक हो, यह उनकी गलती है, क्योंकि शहनशाह कभी गलती नहीं करता। मान सिंह, ताखिर का वक्त नहीं, हमारे हुक्म की तामील हो। तामील हो, तामील हो, तामील हो। मान सिंह, ये हम क्या देख रहे हैं? खामोशी, खामोश बगावत। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अकबर की जिंदगी में उसका हुक्म इस तरह नहीं टुकराया जाएगा। शहबाज खान, जसन सिंह, हमारे हुक्म की तामील हो। मान सिंह, हम यह खिदमत तुम्हारे सपुर्द करते हैं। महाबली, हम राजपूत सिर्फ रणभूमि में तलवार चलाना जानते हैं, जल्लादी की मुलाजमत से हमें माफ रखा जाए। मान सिंह, हम इस साजिश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम इस खतरनाक जसारत को अपने कदमों में लौटते हुए देखेंगे। शहंशाह अकबर अपनी जिंदगी में सल्तनत मुगलिया की फौलादी दीवारों को कांपते हुए नहीं देखेगा। हमारे इकबाल का सूरज हमारी आंखों के सामने नहीं डूबेगा। राजा मानसिंह, आज हम हिंदुस्तान की तारीख का एक नया वर्क लिखेंगे। इंसाफ की एक खिदमत हम खुद अंजाम देंगे। ये तेरा आदना खादिम तेरी जमीन पर तेरे कानून को जिंदा रखने की नाचीज कोशिश कर रहा। अगर मेरी आवाज तेरी आवाज है और मेरा फैसला तेरा फैसला, तो इन हाथों को ताकत और दिल को हिम्मत अदा कर। आमीन। आलम बना, आपके दिल से निकली हुई दुआ में वही असर है जो बेटे की कुर्बानी के वक्त हजरत इब्राहिम की दुआ में था। दुनिया गवाह है कि उस बेटे ने किस तरह मुस्कुराते हुए मौत को खुशामदेद कहा। तारीख गवाह रहे कि आज फिर एक बेटा बाप के उसूलों पर कुर्बान होने के लिए बेखरार रहे। शेहू, आगे बढ़िए आलम पड़ा, और अगर मुंह देखे कि मोहब्बत रास्ता रोक रही है, अगर बाप में बेटे का खून देखने की हिम्मत नहीं, तो अपनी और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, कुर्बानी आसान हो जाएगी। मुजरिम की आंखों में शेखू, हमारे इरादे की शिकस्त हमारे गलत फैसले का सबूत है, हमारे इकबाल की कमजोरी तेरे इकबाल की फतह है। हमने तुझे आजाद किया।
واپس انارکلی کو بھی رہا کیا جائے۔ معلوم نہیں صاحب عالم، حکم شاہی تھا کہ انارکلی کو کسی ویرانے میں لے جا کر زندہ دفن کر دیا جائے۔ یا خدا، اور ان زمین پہ چپا چپا چھان مارو، وہ جہاں بھی ہو اسے آزاد کرو، فرمان شاہی ہے۔ Thank you.
सोई है कली अनार की।